हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके में अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओवर इंटरनल ऑर्गन्स। अब इस चैप्टर में जो हमारे शरीर की इंटरनल ऑर्गन्स है, यानी शरीर के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, उनमें से कुछ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उसको हम पढ़ेंगे और उसकी एक तस्वीर भी साथ में दी हुई है समझने के लिए। विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर क्लूज गेस द नेम ऑफ आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो पिक्चर दी हुई है, इसको देखकर हमें पता लगाना है कि ये जो ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, और उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो फोटो दिया हुआ है वो है ब्रेन का। इसमें लिखा है योर डैश कंट्रोल्स द होल बॉडी, तो इसमें आ जाएगा ब्रेन, तो हो जाएगा योर ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी। यानी हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है, पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, वो सभी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और हमारी रोज की जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, वो सभी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होती है। फिर सेकंड नंबर जो दिया हुआ है वो है हार्ट का, तो इसमें लिखा हुआ है योर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। यानी हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, वो हमारे शरीर के जितने भी अंग है, जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबको ब्लड की सप्लाई करता है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट को पहले जो अशुद्ध ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो मिलता है। फिर हार्ट जो है उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है, और प्योर करने के बाद ही वो उस ब्लड को हमारे बाकी शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन तक पहुंचाता है। फिर थर्ड नंबर पे है किडनी। इसमें लिखा है योर किडनीज फिल्टर एंड क्लीन द इम्प्योर ब्लड। यानी जो हमारी किडनी है, ये जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध जो खून होता है, उसको एकदम फिल्टर करती है और एकदम उसको साफ करती है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर पे है स्टमक। योर स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट। जो स्टमक पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, जो भी खाना हम खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है, यानी खाने को पचाता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर पे है लंग्स। सो इसमें लिखा है योर लंग्स हेल्प यू टू ब्रेथ। यानी हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो ये फेफड़े जो है वो फैलते हैं, और जब सांस को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह ये अपना काम करते हैं।
फिर नीचे लिखा है देयर इज़ अबाउट 5.5 liters ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट, यानी किसी जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में लगभग 5.5 liter ब्लड होता है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है जैसे ब्रेन के बारे में एक लाइन लिखी है तो इसको आपको नोटबुक में लिखना है ये, और फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो नंबर डाल के लिखना है जो भी इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट है हु एम आई, यानी इसमें हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दे कम आउट एट नाइट विदाउट बीइंग कॉल्ड एंड आर लॉस्ट इन द डे विदाउट बीइंग स्टोलन हु एम आई। अब देखो हमें बताने के ये कौन है जो कि नाइट में आते हैं, रात में आते हैं बिना कहे, और दिन के टाइम जो है वो अपना आप जो है खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, तो ये कौन है? तो ये है स्टार्स, यानी तारे। स्टार्स जो है वो रात को चमकते हैं और सुबह होने पर ही वो लॉस्ट हो जाते हैं। फिर सेकंड है अ फादर्स चाइल्ड अ मदर्स चाइल्ड येट नो वंस सन हु एम आई, यानी एक फादर का बच्चा मदर का बच्चा हो पर वो सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो कौन है? तो वो डॉटर हो जाएगी, यानी बेटी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है नो मैटर हाउ लिटल और हाउ मच यू यूज मी डू यू चेंज मी एवरी मंथ हु एम आई, ये मैटर नहीं करता कि आप मुझे कितना यूज़ करते हैं, लेकिन आप मुझे हर महीने चेंज करते हैं, तो वैसी क्या चीज़ है जिसको हम हर महीने चेंज करते हैं? तो वो हो जाएगा कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर को क्या है, हम हर महीने उसको, हर महीने अलग 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 मंथ आता है तो उसको हम चेंज करते रहते हैं। फिर फोन नंबर पे है माय नेबर मेक्स मिस्टेक्स आई गेट रेड ऑफ देम हु एम आई। फोन नंबर पे माय नेबर मेक्स मिस्टेक्स आई गेट रेड ऑफ देम हु एम आई, मेरे जो नेबर है वो गलतियां करते हैं और मैं उसे साफ करता हूँ, मिटाता हूँ, तो ये क्या है? तो ये है इरेजर। इरेजर जो है वो जो भी होता है उसको इरेज करने के काम आता है, साफ करता है। फिर नेक्स्ट है द मोर इट ड्राइज द वेटर इट बिकम्स हु एम आई, यानी जितनी बार भी ये सुखाते हैं तो जल्दी ये गीला हो जाता है वापस, तो ये हो जाएगा टॉवेल। ठीक है, टॉवेल को हम नहाने के यूज में करते हैं और बाकी जब भी हाथ वगैरह धोते हैं तो इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल अबाउट बट कैन नॉट बी सीन कैन बी कैप्चर्ड कैन नॉट बी हेल्ड नो थ्रोट बट कैन बी हियर्ड हु एम आई, यानी वह क्या है जिसको हम देख नहीं सकते और केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं और उसको हम सुन सकते हैं, तो वो क्या है? तो वो है वाइंड, यानी हवा। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और कैप्चर भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इफ़ यू ब्रेक मी आई डू नॉट स्टॉप वर्किंग इफ़ यू टच मी आई मे बी स्नैड इफ़ यू लूज मी नथिंग विल मैटर हु एम आई,
यानी जब आप अगर आप मुझको ब्रेक कर देते हो तो भी मैं अपना काम करना बंद नहीं करता हूँ, अगर आप मुझे टच करते हैं तो एकदम सिकुड़ जाता हूँ। तो वो क्या है? तो वो है हमारा हार्ट। हार्ट को हम अगर टच करते हैं तो सिकुड़ जाता है, स्नेर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, हु एम आई। जब मैं यंग हूँ तब मैं लंबी होती हूँ और जब मैं बूढ़ी होती हूँ, ओल्ड होती हूँ तो छोटी पड़ जाती हूँ। तो वो क्या है? तो वो है कैंडल यानी मोमबत्ती। जब ये यंग होती है तो ये लंबी होती है और जैसे हम जिसको जलाते हैं तो धीरे धीरे ये छोटी होती जाती है और एंड में समाप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगी कैंडल, ठीक है। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, पूरा एज इट इज आपको नोटबुक में इसको लिखना है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास अवर होती है।